एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। हाउ आर यू लाइफ आई फाइन। सो आज मैं अपनी दादी के गांव में जा रहा हूं। सो दादू के गांव, दादी दादू मतलब ना अपने गांव। अपने गांव जाऊंगा आज, और वो भी कार से। हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं रास्ते में और हम आ जाएंगे हाईवे पे। अब यहां से हम देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, और बीच में जहाँ से मिलते भी रहेंगे। सो चले आपको मिलते दादी के गांव। और यहाँ से जो मेरठ एक्सप्रेस वे है, यहाँ से हापुड़ के लिए कट पड़ता है, वहाँ से निकलते हैं हापुड़ के लिए अपने गांव के लिए। ये सीधा निकलता है आपका रामनगर काशीपुर के लिए। सो अभी हम पहुँच गए हैं अपने फर्स्ट टोल में, अपने रूट के फर्स्ट टोल पे आ गए हम। अभी मिला है सिजरासी टोल, तो रामनगर जाते हुए दिल्ली से फर्स्ट टोल पड़ा है। अब देखते हैं कितने टोल आते हैं। अभी ना बस स्लीपी सा फील कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। और उधर आम का पेड़ है, देखो गन्ने का जूस बोल दिया है। तीन ग्लास भैया ला रहे हो नगर और समझने यहाँ गन्ने का जूस पीते थे क्या क्या मुझे। दूर दूर तक आपको लोग दिख रहे होंगे उधर, जैसे हरिद्वार है वैसे यहाँ। हरिद्वार नहीं आते तो यहाँ रहते हैं यहाँ के लोग आसपास ना, ब्रिज घाट में। तो कभी समझ नहीं क्या समझ हमने क्या लिया है। मैंने तो आप भी तो खाओगे मम्मी के चॉकलेट चिप्स तो क्या मैंने वहाँ से पी लिया और तुमसे देखा बर्फ है तो बर्फ बहुत अच्छी लगती है मुझे तो मैंने ये पी लिया। और ये आगे का है थर्ड टोल, तीसरा टोल है तब से हमारा। देखते हैं इसका कोई टोल आता नहीं आता है, शायद लास्ट टोल है। और अब यहाँ उत्तराखंड में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से रामनगर मात्र 35 किलोमीटर है और सेवन मिनट्स हो गया है। हमारा गाड़ी में बैठे बैठे बेचारे को नींद भी आ रही थी। रामनगर जाते हुए ऐसा लगा जी ट्री टनल है। ये पहुंच गए हैं काशीपुर और समन्वय भी सोकर उठ गया है। समन्वय की भी नींद खुल गई है, फाइनली देख रहे हैं कि कुछ खाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाए कुंदन बेकरी वाला, यहाँ पर अब समन्वय वाला कुछ खाना है। अब जाते हैं देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है, क्या समन्वय क्या पसंद आता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंगो वाली कौन सी मिठाई है। देखो तो अब हम जा रहे हैं। चोकोलावर तो चोकोलावर, चोकोलावर से गरम कर रहा था। ये दोनों गरम है। हाँ तो चोकोलावर तो पहले सुकर ने खाएंगे ना। तो है कौन सा चोकोलावर? सबने ओपन करो बॉक्स। सबने अपने चोकोलावर लेके आया और एक डोनट लेके आया। अरे पनीर पेटी का वाले, ये है गरम जो गरम है। इसमें बीच से होल लगा, उसे वहां रख दो अंदर, तो उसके खोल कर ठीक है। बीच से होल लगा है रामनगर। हां रामनगर पहुंच गए हैं। अब रामनगर से अपने गांव निकले। मुझे बहुत जल्दी मेरे अपने गांव जाने के लिए गाइस।
दादाजी से मिलने के लिए। अभी राम से सामान भी लेना, न्यू सब वेजिटेबल्स वगैरह लेना है ताजी ने वगैरह की। ठीक है, जो आपको मिलते हैं मेरे दादू के गांव। दादू के गांव नहीं, आपका गांव मतलब मेरा, मतलब आपका ही गांव है। दादू का है, पापा का है, आपका है, आपका ही गांव है। सभी का गांव है वो सब। और आपको दादी के गांव भी ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे दादू का स्कूल देखना, दादी का भी। दादू का स्कूल दिखाएंगे चलो आप। पर दादी का स्कूल तो नीचे ना, दादी का स्कूल नीचे था, नीचे गांव में था जहाँ थी वहाँ का स्कूल दिखाएंगे दादी का। फर्स्ट लीची, फर्स्ट रामनगर से हमने लिए लीची। यम्मी हो रही है, लो खाओ। मुझे छिलना नहीं आता क्योंकि मेरे नेल्स नहीं है, पर हाँ मैंने एक बार ट्राई करी। स्किन उतारनी है, उसकी उतारो। स्टार्ट हो चुका है यहाँ से पहाड़ी इलाका हमारे गांव के लिए, और अभी आगे गर्जे देवी आएगा, उससे आगे अभी मतलब अन्यों को दिखेंगे सारे एलिफेंट्स, कैमल दिखेंगे अभी यहाँ पर, तो वो राइडिंग के लिए ना आते हो राइड कराएंगे या अभी करोगे राइड अन्यों एलिफेंट की? नहीं नहीं अभी धूप है। चलो आते आते हो राइड कराएंगे आपको एलिफेंट की। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया यहाँ से, देख लो सारी जिप्सी वगैरह जा रही है, सब कॉर्पोरेट में जा रही है जिप्सी वगैरह, सबने कॉर्पोरेट नेशनल पार्क है रामनगर में, सारी जिप्सी या टैक्सी वगैरह सब वहीं जा रहे हैं। उसी बगल में कैमल भी है, अभी आते आपको इसकी राइड कराएंगे। ठीक है, देखो बच्चे कैसे राइड से रेडी हो रहे हैं, एलिफेंट बच्चे बैठे थे देखो सामने। ब्रेव बनते हैं एलिफेंट बैठने से, बोलते हैं बच्चे लोग। आप और बैठेंगे जो आएंगे इस बार, ठीक है आते हैं, मैं बैठूंगा आपका। ठीक है, ठीक है, वहाँ से बैठाते हैं वो स्टैंड लगा करने, यहाँ से एक राउंड देखो चल के कैसे तो कैसे चल गए, देखो कैसा खा रहा है। प्रणाम करो बेटा, हमारी यात्रा मंगल में हो। जय गर्जे देवी, जय गर्जे देवी। और ये यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट होगी प्रॉपर। और आज गर्जे देवी में काफी भीड़ है, पता नहीं आज ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, आज संडे है और काफी भीड़ है, और मोस्टली गाड़ी सारी यूपी से आ रहा है, और पूरा लगता पूरा मतलब एक पूरा गांव ही आ रहा है, इतनी भीड़ है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी मतलब जब से आया हूँ लाइफ में यहाँ पर, कि इतनी भीड़ गर्जे देवी में, अंदर के पार्किंग फुल, बाहर रोडों में इतनी गाड़ी लगा रखी, तभी इतना ट्रैफिक लग रहा है। सो फाइनली हम ट्रैफिक से बाहर आ गए आफ्टर वन आवर। अब देखते हैं ट्रैफिक का रीज़न क्या था, ये नहीं पता। ट्रैफिक का रीज़न ये था कि आज वही मंदिर में भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, कुछ है मतलब भाई मुझे आइडली पता नहीं, मैं जाऊंगा घर पूछूंगा घर पे बताऊंगा तो आप लोगों को क्या है ये। ठीक है, पर बहुत सारे लोग गांव जा रहे हैं। गांव तो लोग जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियां बढ़ी है, विंटर में और समर वैकेशन है तो लोग जाएंगे फैमिली को लेकर घूमने के लिए आते हैं। अब दिल्ली में लोग रह रहे हैं, दिल्ली जैसे यहाँ इधर इतनी गर्मी है, लोग सोचते हैं 4-5 दिन के लोग अपने यहाँ चल जाएँ पहाड़ों में, कभी आओ हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों की हवा खाने। आपको सामने जो ठंड लगेगी ना आपको ऊपर, तो पता चलेगा आपको कहीं अभी पता पड़ रहा है ना, चलेगा बेटा अभी। चलो सही है, आप सो चलो अपने मिलते अपने। अरे बाघ प्रभावित क्षेत्र है, यानी ये टाइगर के लिए यहाँ पर आते हैं, टाइगर आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा कि ये पूरा जिम कॉर्बेट से लगता हुआ जंगल है, और जो यहाँ पर लिखा यू आर पासिंग द थ्रू एलिफेंट कोऑर्डिनेट कॉरिडोर। अच्छा एलिफेंट कॉरिडोर एरिया है ये, एलिफेंट कॉरिडोर एरिया, तो यहाँ पर एलिफेंट भी मतलब दिख सकते हैं, दिख सकते हैं आपको रोड क्रॉस करते हुए।
तो यहाँ पर अपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलते कोई। यहाँ के रोड पर खराब है। तो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, देखो आया नहीं मजा? देखो कटहल, देखा आपने? देखो कटहल लगे पेड़ पे, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। हम रुड़की में ऐसा कटहल का पेड़ नहीं देखा? नहीं देखा मैंने कटहल का पेड़ ना। मैंने देखा। देख रहे हो? ये जो रोड है ना डेंजरस रोड है, यहाँ पर देखो आप इसकी मतलब वेट बहुत ही कम है। यहाँ एक टाइम में एक ही बजे बस आ गई तो कार फंस जाती है, तो बहुत ही मतलब टफ जाता है। संगड़ी रोड है। हाँ मतलब बहुत टफ होता है निकालना हो करना, तो ये मतलब काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड पे, तो यहाँ पर काफ़ी हुआ है। एग्जांपल जैसे एग्जांपल अभी बताया तो देखो बस कैसी है, बहुत टफ होता है निकालना यहाँ पर। उसके पीछे और भी सब, यहाँ पर बाइक के लिए थोड़ा इजी है। बाइक के लिए इजी है इधर का बस, ये बस आगे चलो हमारी कार है, अगर एक बस हो जाती फिर दो दो बस आती फिर क्या होता, फिर एक बस को बेचारा बैक करना होता, तो वही है ना टाइम कंज्यूमिंग। बाकी और जगह क्या, और जगह जाओगे तो वहाँ मोड़ पे थोड़ा चौड़ी है, पर यहाँ मोड़ में भी मतलब बहुत काफ़ी पतली रोड है ये, पर प्लेन नहीं है। क्रोकोडाइल दिखते हैं, देखो लोग हैं वो देख रहे हैं नीचे हो। ये रामगंगा है ये नीचे। अच्छा। और ये पुल आ गया मरचुला का पुल। ओके। और यहाँ से तो आप कटती मतलब है, अब हमारा अरे मरचुला की स्टॉपेज है बसों का यहाँ, ये यहाँ से दो रोड कटती है, अब एक जाती है कुमाऊँ के लिए, जाती है गढ़वाल के लिए। मतलब हमें जाना को ये देखो नीचे तो रामगंगा है, ये अभी इसका फ्लो इतना नहीं है। और ये यहाँ से दो रोड कट रही है, देखो देखो धुमाकोट के लिए कट रही है, एक सल्ट के लिए कट रही है, धुमाकोट थल्ला सैंड पौड़ी के लिए रोड जा रही है गढ़वाल के लिए, और ये जा रही है बिक्या सैंड हम नीचे जाएंगे खिलाल, और ये जा रही है आपके लिए कुमाऊँ के लिए। हम नीचे ये जाएंगे। है डिवाइड रोड, हम नीचे जाएंगे मतलब ये गढ़वाल और ये कुमाऊँ नीचे रोड, हम यहाँ नीचे रोड पे, ये ऊपर है गढ़वाल रोड और ये नीचे कुमाऊँ की रोड, तो मैं हम नीचे वाली रोड पकड़ेंगे। आने वाला है हमारा गाँव नदोली, ये हम पहुंच गए हैं गांव का अपने ग्राम सभा नदोली। ग्राम सभा हम पहुंच गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पापा गाड़ी पार्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो ले जाने को नहीं जाएगा बेटा, हमने अपना भी लिया रहा, अपने बोला बोल रहा अपना ले जाऊंगा अपने बैग में, मैं भी पोछा ला रही हूं, सूटी भी ले गए सब, सूटी क्या ले उसमें फ्रूट्स ले गए, सब्जी ले गए, क्या ले गए दादी बैठ ना, टाइम लगा अपन उस पहुंच गए अपने क्या वाले घर में रहते हैं, तो ये गांव तो इनकी मम्मी ना घास लेने गई है, इसलिए वो यहीं पर। हाँ इनकी ना मम्मी ना भी घास लेने जा रही है, तो यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो दोनों खेल रहे, कैसे खेल रहे दोनों? खेल रहे आराम से, आ रहे हैं वो हिनोला जा रहे हैं मार्केट को सामान लेने के लिए घर का, थोड़ा मैंने चलो वॉक भी हो जाएगी। कितना किलोमीटर है यहाँ से हिनोला? 1 किलोमीटर। टू किलोमीटर की वॉक हो जाएगी हमारी, क्यों समझ नहीं, समझ कर लो वॉक।
अब हम इवनिंग में चाय पी रहे हैं। मैंने दूध पी लिया है। चाय अपनी दादी को देते हुए रबड़ बैंड दादी से मान लेगी। अच्छा चलो बैठी यहाँ बैठे हम घर के बाहर। ये रबर कहां से लिया तूने? पन्नी का इस पन्नी का समानी से बांधना है रबर बैंड को दोबारा। इसको से बांधना है फिर अभी ऐसे ही रख देते हैं ना। देना बोतल पानी। देखो गर्मी की वजह से इधर आग लग गई। देखो जंगल में आग लग गई यहां पर। गर्मियों की वजह से। हां गर्मियों से पत्ते होते हैं ना गर्म से या कोई से कोई माचिस से जलाता है फिर तिल्ली तो आग लग जाती है। तो देखो पूरी जगह आग फैलती जाएगी। देखो नहीं नहीं मुझ जाती है वो थोड़ी देर मुझ जाएगी वो है ना। मम्मी आगी किचन में काम शुरू हो जाएगा। फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा। कितना लगेगा समझ में? क्या कर रहे हो आप? आटा बना रहे हो? ये मैं आटा बना रहे हो क्या? अरे हां हां आटा बना रहे हो? हां मैं अपना खुद खाना बना रहा हूं। खुद खाना बना रहे हो? तो काम करने पड़ रहे हैं। हाँ तो आटा गूंदा अपने एक अपने लिए छोटी वाली। आप लोग तो बड़ी बनाते मुझे छोटी करने का मन करता है। हमने डिनर भी कर लिया और रात भी हो गई। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा रहा आपको डे स्पेंड? कैसा गया डे? तो क्या डे तो अच्छा रहा और मजा भी आया। मतलब बहुत कुछ भी किया। हम इधर गए थे बहुत सारी जगह गए थे। मतलब इतनी भी नहीं। मतलब हम इवनिंग को वहाँ पर गए थे। कहाँ? हिनोला। हिनोला जहाँ पर बड़ा सा झूला है। हाँ। वहाँ चलो। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।